हेलो दोस्तों दोस्तों मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं आपको आज ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग में एक ऐसे प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाने वाला हूं जहां से आप अपनी मेहनत से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि जिस तरह से मैं आपको आज इस प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं, तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊंगा इस प्रोग्राम से संबंधित, तो आपको वो वीडियो आपके चैनल पर जब आप YouTube खोलेंगे, आपका ईमेल आईडी से ओपन करेंगे, तो आपको मेरी वीडियो आपके साइड में यूट्यूब पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर इस प्रोग्राम के बारे में आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखें ताकि मैं आपको उसका उत्तर दे सकूं। आपने ऐसी ढेर सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर कि यहाँ से पैसा कमाओ, वहाँ से पैसा कमाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा कमाओ। लेकिन ये बात सच है कि ऑनलाइन इंटरनेट मार्केटिंग से पैसा कमाया जाता है, लेकिन ज़रूरत होती है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने की। सबसे पहले जब आपको लगे कि इस कॉन्सेप्ट से मुझे पैसा आ रहा है, तो फिर उसके बाद आप कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी ज्वाइन कीजिए। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पेड हैं, लेकिन आज मैं जिसकी आपसे बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अब वो टैलेंट कौन सा है, इस सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप गूगल के बारे में तो जानते हैं सभी कि गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल ने काफ़ी समय पहले, आज से 15-20 साल पहले, एक प्रोग्राम शुरू किया था गूगल एडसेंस का। गूगल एडसेंस का, अब गूगल कोई फ्रॉड तो है नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी जानते हैं, सभी जानते हैं। गूगल एक आईटी सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आपको कुछ भी सर्च करना हो आप सीधे गूगल के ऊपर जाते हैं। तो इसलिए मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने समझें। अब देखिए, जैसे मैंने गूगल एडसेंस के ऊपर टाइप किया, सर्च किया, तो नीचे आ रहा है नंबर वन पर मेक मनी ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट मोनेटाइजेशन गूगल एडसेंस, और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन बाय पुशिंग योर पैशन। अब हम ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इस बात को, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे 15-20 सेकेंड की। पुशिंग योर पैशन, दोस्तों हर इंसान के अंदर एक पैशन होता है, एक टैलेंट होता है, स्किल होती है। मेरे पास है लिखने का, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट देखा, मैंने कोई पॉलिटिकल न्यूज़ देखी, मान लीजिए आज हिंदुस्तान में कितने जिलों में जो है, जितने कितने प्रदेशों में बाढ़ आ रही है, तो मैंने बाढ़ के ऊपर कोई आर्टिकल लिख दिया, वो एक न्यूज़ बन गई। तो अगर ऐसे ही अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, क्या आप कोई फूड प्रोडक्शन का काम करते हैं तो उसके ऊपर आप कोई वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं तो फ्री में भी वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में जो आपको बातें बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे ड्रॉप बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, अपनी प्रॉब्लम लिखें,
मुझसे बात करने के लिए, उसमें मैंने सारा अपना डिटेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ईमेल एड्रेस दिया है, स्काइप पे भी दिया है, सब उसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इसीलिए इंक्लूड किया हुआ है कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई थी तो मैंने भी वो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं गूगल एडसेंस के अंदर, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और मैं आपको बता सकूं कि गूगल एडसेंस है क्या चीज़। अब दोस्तों बात हो गई पैशन की, आपके अंदर कोई भी पैशन है, कोई आप अच्छा आप जोकिंग करते हैं तो उसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, आप मिमिक्री करते हैं तो उसकी भी आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये हर प्रकार का टैलेंट जो है इंसान के अंदर होता है, बस उसको भांपने की ज़रूरत होती है। तो हम गूगल एडसेंस की बात करते हैं कि गूगल एडसेंस से कैसे पैसा कमाया जाता है। गूगल एडसेंस से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। अगर आप अपना वेबसाइट नहीं बना सकते तो आप ब्लॉगर BLOGGER blogger.com, ये एक गूगल की ही साइट है blogger.com, इसके ऊपर आप जाइए और आप अपने जीमेल अकाउंट से इस ब्लॉग को ओपन कीजिए। अब मेरे पास ऑलरेडी जीमेल अकाउंट था तो मैंने उसमें ईमेल एड्रेस डाला, पासवर्ड डाला और मैंने उसको फिलअप कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे न्यू ब्लॉग, मैंने इसके अंदर कुछ ब्लॉग बनाए हुए हैं, जैसे मैं आपको एक ब्लॉग दिखाता हूँ। आप अपनी कोई सर्विस है, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, तो आप कई प्रकार की ऐसे मतलब घरेलू बातों के ऊपर कोई आर्टिकल लिख सकती हैं, ठीक है। जितना आप लिखते जाओगे अपने ब्लॉग को आप भरो, उसमें अच्छा कंटेंट डालो, तो गूगल एडसेंस से आपको एड्स मिलेंगी। तो ये तो हो गई, यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी कोई भी साइट का नाम दो, जैसे हमारी वेबसाइट है ऑल ओवर इंडिया, तो मैंने उसका टाइटल नाम दे दिया यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया। फिर यहाँ पे आपको जो इंटरनेट के ऊपर लोग आपको देखेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक सर्च बॉक्स में एड्रेस डालना होगा जो आपका आगे चलेगा। तो इसको अभी हम फिलहाल बंद कर देते हैं। दो बातें हो गई कि गूगल एडसेंस से अर्निंग करनी है तो उसके लिए या तो वेबसाइट होनी चाहिए आपकी पर्सनल, या फिर आप ब्लॉगर पे जाके फ्री ब्लॉग बनाइए, ठीक है दोस्तों। अब गूगल एडसेंस से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, अब मान लीजिए कोई चंडीगढ़ में कोई स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी ने गूगल को पैसा पे कर दिया महीने का 25,000 रुपये कि आप हमारी एड चलाइए, हमारी स्टील कंपनी को प्रमोट करिए। अब जैसे ही गूगल के पास वो पैसा आएगा तो गूगल उस पैसे के ऊपर जो है एड्स बनाता है और एड्स को डिस्प्ले करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस के द्वारा, ठीक है। वैसे ही गूगल जो ब्लॉगर है, जब आप कोई वेबसाइट बनाएंगे या फिर कोई आप ब्लॉग बनाएंगे ब्लॉग स्पॉट के ऊपर या ब्लॉगर के ऊपर, एक ही बात है ब्लॉग स्पॉट और ब्लॉगर, तो आपको वहाँ से गूगल एडसेंस की एड्स मिलती हैं। लेकिन आपके पास क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, आप ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपके ब्लॉग के अंदर कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो अब हम जरा मैं सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट्स बताता हूँ, आप हमारी वेबसाइट्स देखें allover.india.in, ये हमारी वेबसाइट है। अब जैसे हमने इस वेबसाइट को खोला तो हम इस वेबसाइट को 2012 से चला रहे हैं, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर मुझे काम करने का मौका भी पिछले 5-6 महीनों से ही मिला है और तभी से हमारे पास अर्निंग भी अच्छी तरह से आना शुरू हुई है। कोई बड़ी बात नहीं है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपने प्लस टू पास किया है, अब आप कॉलेज लेवल पर जा रहे हैं, तो कॉलेज में आपको 3 साल मिनिमम पढ़ना पड़ता है तब आपको एक बैचलर डिग्री प्राप्त होती है। तो 3 साल में अगर आप इमीडिएटली प्लस टू के बाद आप अपना ये काम शुरू कर दो और जब तक आप अपना कॉलेज फिनिश करोगे तब तक आप ज़्यादा नहीं तो 30-40% आप अपना बिजनेस स्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद अगर आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं तो कीजिए, जितना सॉलिड कंटेंट होगा, जितने अच्छे टॉपिक होंगे, उतने ज़्यादा यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आने की संभावना है। अब देखिए जो गूगल एडसेंस पे जो क्या होता है, ये हमारी वेबसाइट है तो ये देखिए गूगल एडसेंस की एड लगी हुई है, गूगल द्वारा विज्ञापन, एक ऐड हो गई, दूसरी ऐड यहाँ पर आ रही है, ऐड चॉइस,
ये भी गूगल की ऐड है, दो ऐड, तीन ऐड पर पेज पे लगती हैं, तो दो ऐड तो हमने फिक्स कर दी हैं, ठीक है। तीसरी ऐड देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा एक पोस्ट है जो हमने अपने साइट के अंदर डाली हुई है। तो तीन ऐड की मैंने बात की है, तो तीन ऐड आपकी कैसे कैसे आएंगी, एक ऐड तो आ गई आपके ऊपर हेडर में, दूसरी आ गई आपकी साइड बार में, और तीसरी ऐड आ गई आपने जो आर्टिकल लिखा होगा उसके अंदर, ऊपर फोटो आ जाएगी, कंटेंट आएगा साथ में, और आपकी गूगल की ऐड आएगी। इसके अलावा अगर हमने कोई दूसरा भी कोई एफिलिएट का कोई प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो उसकी एड्स भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। वो एफिलिएट के ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो आप हमसे डिस्कस करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें इसको, और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, प्रमोट करें अपने फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। तो ये तीन ऐड की मैंने बात की आपसे। अब 2012 से हम काम कर रहे हैं, तो तब से लेके अब तक हमने कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनाई हैं, और हर वेबसाइट का टॉपिक अलग अलग है। अब जैसे हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या है इसमें, हिंदी न्यूज़ हैं, हिंदी आर्टिकल, टेक्नोलॉजी से संबंधित भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, एप्पल फ़ोन, मोबाइल एक्सेसरी, स्मार्टफोन, सोनी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, इंडिया, सैनिक शक्ति, ये भी टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है कि इंडियन आर्मी की पावर क्या है, क्या क्या हथियार हमारे पास हैं। उसके बाद विज्ञापन, वीडियो और दुनिया, ऑटो, बाइक्स, कार, सबमिट योर क्लासिफाइड, आप इस वेबसाइट में अपना कोई क्लासिफाइड भी सबमिट कर सकते हैं। अब फेसबुक से संबंधित भी हमने इसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं, गूगल के बारे में भी लिखा है, होस्टिंग्स कैसे होती हैं वेबसाइट की, ट्विटर क्या चीज़ है, यूट्यूब क्या है, वर्डप्रेस क्या है, और सबमिट गेस्ट पोस्ट। दोस्तों ये सबमिट गेस्ट पोस्ट अगर आपके पास कोई, मान लीजिए अगर आपके पास कोई, आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास कोई ऐसा कोई फ्री एम्प्लॉय है, फ्री तो नहीं कह सकते, एम्प्लॉय कभी फ्री नहीं रहते, अपने किसी एम्प्लॉय को आप समय दीजिए ताकि वो आपकी सर्विस के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर कुछ ना कुछ लिखें, और लिखने की जो वर्ड लिमिट है वो 500 से 600 वर्ड जो हैं आप अपनी सर्विस के ऊपर एक आर्टिकल लिखें। यहाँ से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, लॉगिन भी कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं। ये हमारी इंग्लिश वेबसाइट है, इसमें सिर्फ आपको इंग्लिश न्यूज़ मिलेंगी। उसके बाद एक हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाई हुई है ऑल ओवर इंडिया। अब इसके अंदर हमने बहुत सारी सब कैटेगरी बनाई हैं, बिजनेस के बारे में लिखा है, हेल्थ के बारे में, मनोरंजन के बारे में, बॉलीवुड, बॉलीवुड अभिनेता, हिमाचल प्रदेश की सभी स्टेट के बारे में आप उसका इतिहास पढ़ सकते हो, हर स्टेट का, लाइफस्टाइल, खेलें, स्पोर्ट्स, भारतीय राज्य और करियर, सरकारी सूचनाएं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ से अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ा सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, अगर आप कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। और लोकप्रिय, आजकल कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लोकप्रिय हैं, नरेंद्र मोदी जी हो गए, सलमान खान, शाहरुख खान, सनी लियोनी। अब दोस्तों ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने इस ऑल ओवर इंडिया वेबसाइट के अंदर डाली है। अब बात करते हैं जो हमारी अन्य वेबसाइटें हैं वो कौन कौन से टॉपिक से संबंधित हैं, ताकि आपको एक मोटो मिले कि हम किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। अब जैसे हम ये JS ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये हमारा एक स्मॉल कंपनी है जो हम इस JS ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट .in के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार का बिजनेस करते हैं मार्केट में, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं jitendershama.com, ये मैंने अपने पर्सनल नाम से अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसका काम है सामाजिक प्रेरणा स्रोतों का आदान प्रदान। तो इसमें मैं अपने कुछ मेरे जो अपने विचार हैं उनको मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ। तो इसके ऊपर भी गूगल एडसेंस ऐड चली हुई है, एक ऐड यहाँ पे ऊपर लगी हुई है तो दूसरी नीचे साइड बार में लगी हुई है। उसके बाद
थर्ड वेबसाइट की करें, यशराज शर्मा। अब ये हमारा एक छोटा बेबी हुआ है तो हमने उसका भी वेबसाइट बनाया हुआ है, क्या वो एक्टिविटीज़ करता है, उसकी कोई बर्थडे की पिक्चर, तो उस प्रकार से हमने इसके अंदर हर प्रकार का डाटा डाला हुआ है। अब नेक्स्ट साइट की बात करते हैं, clickforshop.in। ये clickforshop.in वेबसाइट, आप लोग इस वेबसाइट से जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। अब इसमें भी देखिए, हमने गूगल एडसेंस की एड्स लगाई हुई हैं, एक ऐड ये हो गई, दूसरी यहाँ पर लगी हुई है, और तीसरी जब आप कोई प्रोडक्ट ओपन करोगे तो तीसरी ऐड आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये गूगल की एक रिक्वायरमेंट होती है, एक फैसिलिटी दे रहे हैं हमें गूगल के, तीन ऐड ही आप पर पेज लगा सकते हैं। ये देखिए तीन ऐड हो गई, एक और ये दो, और तीसरी ऐड यहाँ पर आ गई। उसके बाद sirlads.com, ये क्लासिफाइड की साइट है, इसमें आप अपने क्लासिफाइड पोर्टल लगा सकते हो। उसके बाद बात आती है oldmarket.in की। oldmarket.in दोस्तों ऐसी वेबसाइट है, मान लीजिए आपके अंदर कोई आपके पास कोई कार है, कोई पुरानी कार है या कोई बाइक है, आपके आस पड़ोस में कोई कार है बाइक है, तो सबसे पहले तो आप उसकी एक फ़ोटो लीजिए। फ़ोटो लेने के बाद आप जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाइए। ये इस oldmarket.in साइट के अंदर बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि आप जो है वो अपने किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो जो है बनाकर आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ये मेरे सेकंड हैंड प्रोडक्ट की कंडीशन है। तो यहाँ पर भी देखिए गूगल ऐड लगी हुई है। अब जैसे आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो अंदर जाकर भी आपको एड्स मिल जाएंगी, एक ऐड यहाँ पर नीचे लगी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं arhe.in, ये हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है। इसमें जैसे कोई BSc का कोई स्टूडेंट है, कोई छात्रा है, छात्र है, तो वो अपने आर्टिकल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने गूगल एडसेंस की एड्स लगाई हुई हैं। ये एक तो सबसे ऊपर हेडर में आ गई और साइड में आ गई, ठीक है। अब जैसे कोई आप आर्टिकल ओपन करोगे यहाँ पे, तो अंदर भी आपको एक ऐड कंटेंट में मिलेगी। तो दोस्तों ये अब आप कुछ ना कुछ तो आपको समझ आया होगा, 100 में से 10%, क्योंकि जब भी कोई फर्स्ट टाइम इस तरह के बिजनेस के बारे में देखता है, सुनता है, तो उसको बड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन ये गूगल एडसेंस जो है बिल्कुल सिक्योर है, 15-20 सालों से लोग करते आ रहे हैं। अब तक तो कई लोग ऐसे हैं जो गूगल एडसेंस से इतनी कमाई कर रहे हैं कि मैं अगर आपको बता भी दूं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर आपको ये गूगल एडसेंस के आर्टिकल के बारे में पढ़ना हो तो आप यहाँ पे हिंदी न्यूज आर्टिकल्स में जाएं और नंबर 3 पेज पे जाएं, तो वहाँ पे आपको एक आर्टिकल मिलेगा, गूगल एडसेंस से अर्निंग करने वाले 2014-15 के इंडिया के टॉप कौन कौन से ऐसे लोग हैं। अब दोस्तों बात आती है गूगल एडसेंस की। अब हम गूगल एडसेंस के ऊपर आते हैं। अब ये गूगल एडसेंस है क्या चीज़, कैसे आपको यहाँ से पैसा आता है, इसकी अब जानकारी आपको देते हैं। लॉगिन कर लेंगे इसको, हमने इसके ऊपर सारा सिस्टम पहले से ही बना रखा है, तो हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। हम रजिस्टर करने के लिए आपको कोई अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपके पास एक जीमेल का अकाउंट है तो उसी से आप ये सारा काम कर सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ लॉगिन, और उसके बाद हमने 2012 से लेकर अब तक एक्सेल शीट में भी पूरी कलेक्शन की हुई है इनकम की। इनकम इसमें गूगल एडसेंस जो है बहुत सिक्योर है, इसमें इनकम धीरे धीरे आती है, पर इसमें ऐसा है कि कोई आपको कोई रिस्क नहीं है कोई। हाँ भाई, कोई जैसे मान लीजिए यार हमने कोई मार्केट में काम किया और उसका हमें प्रॉफिट नहीं आया, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। यहाँ पर ये सब जो है वो एकदम ओके है, यहाँ पर आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा ईमेल मेरा ओपन था, तो मैं पहले उसको लॉग आउट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा, मुझे यहाँ पर गूगल एडसेंस लिखना पड़ेगा। इसको लॉगिन कर लेते हैं।
लॉगिन कर लिया। तो अब ये गूगल एडसेंस का अकाउंट आपके सामने हमारा खुल चुका है, ओपन है। अब देखिए टुडे सो फार, टुडे हमें कितनी अर्निंग आई, 0.20 सेंट। ठीक है, 100 सेंट का एक डॉलर होता है, जैसे 100 पैसे का एक रुपया होता है। ज़रूरी नहीं है ये ज़्यादा भी आ सकती है, पर अभी हमारी शुरुआत है, अभी हमारी वेबसाइट्स इतनी पॉपुलर नहीं हैं, तो धीरे धीरे पॉपुलर हो रही हैं, विजिटर बढ़ रहे हैं, जितने क्लिक्स आएंगे विजिटर बढ़ते जाएंगे, आपकी वेबसाइट को देखेंगे लोग और कोई आपकी ऐड के ऊपर क्लिक कर दे कि हाँ ये किस प्रकार की ऐड चली हुई है, हम इसे देखना चाहते हैं, तो उस टाइम वो क्लिक कर देते हैं वहाँ पे, और वहाँ से आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो इसको कहते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो अब तक हमने 88 डॉलर की अर्निंग ले चुके हैं हम। अब ये 88 डॉलर की इनकम हमें लेने में काफ़ी समय लगा है, लेकिन ये सिक्योर है। अब ये नहीं है कि हम 24 घंटे इसी के ऊपर डिपेंड हैं, हमारा और भी काम है, लेकिन जो एक सिक्योर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप अपना कोई ऐसे टाइम वेस्ट ना करें, आप अभी से अगर कोई स्टूडेंट हैं तो अभी से आप अपना प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करें, और जब तक आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके आओगे तो आपको ये सोचने पे मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि अब मैं पढ़ने के बाद क्या करूँ, क्योंकि आपके पास एक 100% आपसे मेहनत, आपकी मेहनत की हुई एक प्लेटफॉर्म आपके पास तैयार होगा। अब ये जो अर्निंग होती है ये ऑटोमेटिक हर महीने की 22 तारीख को जब ये 100 डॉलर कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो हमारा बैंक अकाउंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमने YouTube का चैनल भी चलाया हुआ है, YouTube के ऊपर हमारी वीडियो हैं, तो वहाँ से भी हमें अर्निंग आ रही है, और ये एडसेंस अर्निंग कंटेंट मोनेटाइजेशन से एवरी मंथ किस तरह से अर्निंग हो रही है वो सारी आपके सामने है। अब बात करते हैं कि कब से हमने ये शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, 2012 से नहीं बल्कि 2014 से मैं गूगल एडसेंस के साथ जुड़ा था, तब हमने अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया था, और मेरे पास उस टाइम वेबसाइट थी jitendershrma.com। बाकी की जितनी सारी मैंने आपको वेबसाइट बनाई वो हमने 1/4/2014 के बाद ही बनाई हैं। ठीक है, तो देखिए जब मैंने 2014 को जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था अप्रैल में, तो इस तरह से मेरे पास अर्निंग थी। तो देखिए साल भर में मेरे पास क्या आया। ये सीधी सी बात है दोस्तों कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हमने काम नहीं किया, थोड़ा बहुत काम करते थे तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से आया। अब 2015 की बात करें तो ये आपके सामने है किस तरह से, यहाँ पे देखिए 1.70 डॉलर की इनकम हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ती है 3.15 पे चली गई, फिर ये इससे और इसने जंप लिया 2015 में 5.14 पे चली गई। तो YouTube से भी हमें अर्निंग हुई, और उसके बाद हम 2016 की बात करते हैं तो देखिए 2016 में ये 6.25 पे गया, फिर ये 7.6 पे आया, और इसी तरह YouTube पे भी आप देखिए यहाँ पर 0000 है सारा, लेकिन यहाँ पे कुछ इनकम हुई है। लेकिन जब हम 2016 में आ गए, अब आपके सामने है सब कुछ, आपको पता लग रहा है कि मैं क्या आपको सही रास्ता दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा अगर आप प्लस टू में पढ़ते हैं और अगर आप कोई ऐसा ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास गूगल एडसेंस कंटेंट मोनेटाइजेशन। आप अपना एक ब्लॉग बनाइए, आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आपको लिखना है। आप बॉलीवुड फिल्मों के ऊपर लिखो, कोई नए गाने लिखो, उनके लिरिक्स बनाओ, आप कोई भी काम करो, आप न्यूज़ का कोई ब्लॉग बनाओ, आप कोई शॉपिंग साइट या एफिलिएट मार्केटिंग का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो, तो अब आपके सामने ही है। जितना मैंने आपको बताया उसी हिसाब से मैंने आपको ये वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए जितनी मेहनत अभी हम कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत हमने 2014 में की होती तो शायद अब तक हमारा गूगल एडसेंस से विड्रॉल भी आ गया होता। तो ये आपके सामने था सब कुछ। अब दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को हम यहीं फिनिश कर देंगे आज। अगर आप
की तरफ से कोई रिस्पांस आता है, आप इंटरेस्टेड हो, और अगर आप गूगल एडसेंस से भी कोई ऐसा इंडिविजुअली आप अपना अकाउंट बनाने में असमर्थ हैं, वैसे आजकल मुश्किल है क्योंकि गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाना और आप अपने ब्लॉग को अप्रूव्ड करवाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो उसके लिए ऐसा है कि जेएस ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट से आपको एड्स मिल जाएंगी गूगल एडसेंस की, जो आप अपने ब्लॉग के ऊपर लगा सकते हैं। और मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ यूआरएल चैनल, तो इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये तो हमारा अपना ब्लॉग है ऑल ओवर इंडिया news.blogspot.in, ये हमारा अपना ब्लॉग है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए टॉप साइट लिस्ट हेयर .blogspot.com, ये एक राजस्थान से एक लड़का है जिसने ये साइट बनाई थी, और उसका कॉन्टैक्ट हुआ मेरे साथ, तो मैंने उसको गाइड किया और उसने जो था ये ब्लॉग स्पॉट के ऊपर जो उसका ब्लॉग था वहाँ पर उसने हमसे ऐड ली और अपने ब्लॉग के ऊपर लगाई, और अभी इसके ब्लॉग से अर्निंग भी होने शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए आप यहाँ पर इसने एडसेंस की एड्स लगाई हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है, एक तो एक ऐड तो ये आ गई यहाँ पर, दूसरी ऐड अगर आप इसके ब्लॉग पेज पे ओपन करोगे तो एक ऐड आपको अंदर भी मिलेगा इसमें, हाँ एक ऐड तो ये लगा हुआ है सबसे बड़ा, और दूसरा ऐड ये चल रहा है, और थर्ड ऐड इसने कहाँ पे लगाई है, ब्लॉग कंटेंट के अंदर इसने नहीं लगाई है, लेकिन मुझे दोबारा इनको अभी मेल करना पड़ेगा, फ़ोन पे स्काइपे पे बात करनी पड़ेगी, स्काइपे पे मेरे पास ऐड है या उनको बताना पड़ेगा कि आपके ब्लॉग में जो कंटेंट की ऐड है वो मिस है, आपने लगाई नहीं है, तो ये मैं उनको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर लगाई है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने लगा रखी है ये ऐड, तो तीन ऐड हो गई आपके। तो इस तरह से ब्लॉग के ऊपर जितना आपका, अब ये भी देख लीजिए आपके, अगर इन्होंने व्यू रिपोर्ट कीजिए आप यहाँ से, मैं व्यू रिपोर्ट करके दिखाता हूँ कि अब तक अभी 3-4 महीने हुए हैं इनको ज्वाइन किए हुए ये जीएस ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट, और हमने उनको ऐड दी है, तो ऑल टाइम इनकम देख लेते हैं हम इनकी कितनी आई है, इनके $1.31 आई है, तो ये इनकम अभी इनके इसमें देखिए आ चुकी है 1.31, 2591 पेज व्यू हुए हैं और 5822 जो हैं वो इंप्रेशन आए हैं, और 11 क्लिक आए हैं ऐड के ऊपर, और इनकम आई है $1.31। तो इस तरह से दोस्तों ये हम जितनी भी वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्कूलों की वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम ये कॉन्सेप्ट उनको बताते हैं, और काफ़ी लोगों ने देखी हमारे पास इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो कम से कम 50 के करीब साइट्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ये हमारी अपनी साइट है ओल्ड मार्केट सर लैड्स, इस सिडलिंग पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, तो इन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट ज्वाइन किया है, उसके बाद ये स्कूलों की वेबसाइट हैं सभी, तो सब ने जो है अपना एक एक अपना ये सिस्टम ज्वाइन किया हुआ है ताकि आने वाले टाइम में इनकी वेबसाइट्स भी अर्निंग कर सकें। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है, और दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब के ऊपर लगा हुआ है, और आप ज़रूर हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। ये मैं आपको यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पे JITENTER शर्मा आप यहाँ पे टाइप करोगे ये, तो उसके बाद ये हमारा चैनल यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये सारी हमारी वीडियोस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप सभी वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो ये सब्सक्राइब आप करना ना भूलें। सो थैंक यू दोस्तों। इसके अलावा अभी मैं लास्ट में फिर यही कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन दे सकें, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।